Hello everyone, my name is Vilam Gupta and you are watching me on my YouTube channel MG Entertainment. क्या आप जानते हैं English language के दो words hope and expect, इन दोनों का हिंदी भाषा में लगभग meaning similar यानी कि same होता है, लेकिन English language में इन दोनों को use करने से पहले आपको सोचना चाहिए। मैं दो मिनट में आपको समझाता हूँ। होप वर्ड को यूज करने से पहले तीन बातें दिमाग में रखो, तीन बातें दिमाग में रखो पहले अगर आप होप वर्ड को किसी सेंटेंस के अंदर यूज करना चाहते हैं तो। पहला, अच्छे काम के लिए, यानी कि अगर आप किसी सेंटेंस के अंदर होप वर्ड का यूज कर रहे हैं तो यानी कि जिस काम को लेकर आप वो होप कर रहे हैं वो काम अच्छे के लिए होना चाहिए, राइट। पॉइंट नंबर टू, आपकी इच्छा, डिजायर, यानी कि जिस काम के होने की उम्मीद की जा रही है उसमें आपकी इच्छा भी होनी चाहिए, आपकी डिजायर होनी चाहिए कि वो काम हो, राइट। पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर थ्री, काम पॉसिबल भी लगे, यानी कि जो काम, जिस काम के बारे में आप होप कर रहे हैं वो काम आपको पॉसिबल भी लगता है कि ये हो भी सकता है। अब बात करते हैं एक्सपेक्ट की। एक्सपेक्ट को किस सेंटेंस में कैसे और कब लगाया जाता है? देखिए, एक्सपेक्ट के केस में आपको सिर्फ एक बात अपने माइंड में रखनी है, सिर्फ एक बात दिमाग में रखिए और आप समझ जाएंगे एक्सपेक्ट का यूज किस सेंटेंस में कैसे किया जाता है। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है, जब किसी काम के होने का आपको पहले से ही पता हो कि वो भविष्य में काम होगा, लेकिन उस काम के होने ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप समझ जाइए वहां पर आप एक्सपेक्ट यूज करेंगे, राइट। तो होप और एक्सपेक्ट में आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। अब हम एग्जांपल के तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं कि वाक्य में होप का यूज होता है या एक्सपेक्ट का, इसका अंदाजा आप कैसे लगाएंगे, राइट। सेंटेंस है, फर्स्ट आई होप इट विल रेन टुडे। अब यहां पर फोकस करना है होप के साथ, हमने यहां पर क्या बोला है, इट विल रेन टुडे, यानी कि आज वर्षा होगी। अब यहां पे सोचिए कि आज वर्षा होगी, अगर मैं बोलूं क्या ये एक अच्छे काम के लिए है, ये हमें सोचना है इस सेंटेंस को बोलने से पहले, क्या ये अच्छे काम के लिए है। नंबर दो, क्या आपकी इच्छा है कि वर्षा हो। तीसरा, क्या पॉसिबल है कि वर्षा होगी ही होगी। अगर ये तीनों में इस सेंटेंस को बोलते समय आपको संदेह है किसी एक में भी, तो आप समझ जाइए यहाँ पे होप नहीं, यहाँ पर आपको यूज करना है एक्सपेक्ट, यानी कि यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर होप का यूज गलत है, आप यहाँ पे होप यूज नहीं कर सकते, आपको बोलना चाहिए आई एक्सपेक्ट इट विल रेन टूडे, राइट। चलिए अब एक दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, अब सेकेंड एग्जाम्पल से समझते हैं, राइट। देखिए सेंटेंस है, आई एक्सपेक्ट दैट शी विल रिकवर सून फ्रॉम द इलनेस, यानी कि मैं आशा करता हूं कि वह जल्द ठीक हो जाएगी बीमारी से, फ्रॉम द इलनेस, राइट। अब इस सेंटेंस में समझिए, हमने एक्सपेक्ट अगर यूज करा कि मैं आशा करता हूं कि वो जल्द बीमारी से ठीक हो जाएगी, इस सेंटेंस में एक्सपेक्ट का यूज सही है या गलत, तो आप पॉइंट लगा दीजिए। तीन बाय एक का फॉर्मूला आपको यूज करना है, एक्सपेक्ट लगा हुआ यानी कि ये ठीक हो या ना हो भविष्य में, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये गलत है। आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा एक्सपेक्ट की जगह, आप यहाँ पे यूज करेंगे सेंटेंस के अंदर होप। अब मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, क्या वह रिकवर हो जाएगी जल्दी बीमारी से, ये अच्छे के लिए है, जाहिर सी बात है हम किसी का अच्छा ही तो चाहेंगे ना, तभी तो हमने ये सेंटेंस बोला, तो हम यहाँ पे होप यूज करेंगे क्योंकि ये अच्छे के लिए है। दूसरा, इसमें हमारी इच्छा भी है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी, राइट। और एक तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हमें पता है कि ये पॉसिबल भी है कि अगर उसकी टेक केयर की जाए तो वो ठीक हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर एक्सपेक्ट की जगह हम अगर होप का यूज करें तो आई होप कि सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा, राइट। अब मैं आपको एक सेंटेंस और बोल के बताता हूँ, आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब आप जरा इसमें सोच के देखिए, मैंने यहाँ पर होप यूज क्यों करा, मैं एक्सपेक्ट क्यों नहीं कह रहा। देखिए, होप का यूज, मुझे पता है ये वीडियो अच्छे के लिए है, मैं बना रहा हूँ, आप देख रहे हैं और ये अच्छे के लिए वीडियो है। दूसरा, मेरी इच्छा भी है कि ये वीडियो अच्छा बने और आपको अच्छा लगे, राइट। और तीसरा, सबसे इम्पोर्टेंट, ये पॉसिबल है कि वीडियो अच्छा हो और आपको अच्छा लगेगा, राइट। तो इसलिए मैं बोलूंगा आई होप यू लाइक दिस वीडियो, राइट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, अगर शेयर करेंगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी। मैं जल्द मिलूंगा आपसे दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।